ओके तो शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा था, जैसे हम मैंने डिस्कस किया था, वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा एंड वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। इससे बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पे मूव करने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड जो एलर इक्वेशंस पढ़ा था उसका हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा क्या होता है इससे भी क्वेश्चन दे देता है। ओके तो अब तक हमारा जो फंक्शनल था वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। मान लीजिए ए टू बी, और यहाँ पे था का एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन था, ठीक है। अब इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, बस आपको क्या करना है, दोनों को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेना है। तो अब जो या वाई और एक्स, वाई जो है एक्स का फंक्शन है, तो अब जब पैरामेट्रिक फंक्शन लेंगे तो एक्स कुछ टी का फंक्शन हो जाएगा और वाई भी कुछ टी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ए भी हो जाएगा ए टू बी तक कुछ, इसको अब टी के फॉर्म में हम लेंगे ना, तो एज्यूम कर लिए कुछ टी वन टू टी टू हो जाएगा, ओके। अब टी वन टू टी टू, क्योंकि अब कंडीशन आपके टी पे लग जाएगा, ओके। अब जो फंक्शन एक्स और वाई का था, अब ए आपका क्या बन जाएगा, टी एक्स और वाई एंड साथ में एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग एक्स डैश टी ले लेते हैं। उसी तरह दूसरा हो जाएगा वाई का टी डैश के रिस्पेक्ट में, ये आपका बन जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शनल का स्ट्रक्चर, ओके। या तो आपको इस टाइप का सेट करना होगा, और अगर सेट नहीं करना होगा तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से सोल्यूशन निकालना होगा। तो आप सोल्यूशन क्या करेंगे, ओके, सोल्यूशन मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल की बात करते हैं। हमारा एक्सटर्नल क्या होगा, देन अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देन एक्सटर्नल, देन एक्सटर्नल फॉर एबव लिख लीजिए इसी को, एक्सटर्नल फॉर एबव इज गिवेन बाय, गिवेन बाय सॉल्विंग। अच्छा यहाँ पे देखिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई आ गए, अब इनके टर्म में लेंगे, दोनों को बस आयलर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दिए, खत्म काम, इतना ही था। तो आयलर इक्वेशन क्या था आपका, जब हम यहाँ पे एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ डेल एक्स माइनस, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स था, वो हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी, ओके, इतना ही चेंज हुआ है। और ये हो जाएगा इस एफ का एक्स डैश के रिस्पेक्ट में जीरो, एंड सेकेंड, अब हमने एफ एक्स के लिए लिया था ना, अब दूसरा वाई के लिए ले लीजिए, ये हो गया माइनस डी बाई डी टी, फिर हो जाएगा डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपका साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए, इसको स्टार नाम दे दिए। तो अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में इस टाइप से दिया हो आपका फंक्शनल और उसकी एक्सटर्नल की बात कर रहा हो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एक्सटर्नल की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, चलो एक छोटा सा एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग को ये समझ में आ जाएगी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एक्सटर्नल, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ फंक्शनल, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ फंक्शनल, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ फंक्शनल। अब फंक्शनल क्या होगा, अब हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लीजिए, जीरो टू वन ले लिया मैंने, टू ले लिया, और इसको टू एक्स मैं ले रहा हूँ, टू एक्स प्लस एक्स डैश स्क्वायर ले लीजिए इसके रिस्पेक्ट में टी का, इसका होल स्क्वायर प्लस में वाई डैश टी का होल स्क्वायर एंड होल का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये डी टी हो गया। अब कुछ कंडीशन होगा, वी एक्स और टी दोनों डिपेंडेंट है, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो ए जीरो पे जीरो है, और अब वन पे भी इसका कुछ वैल्यू होगा, तो वन पे कुछ थ्री बाई टू है, उसी तरह वाई भी है कुछ, ए जीरो पे वन है, एंड लेटेस्ट वाई वन, लास्ट वन विल बी वाई वन इक्वल टू वन, ओके। ए आपका पूरा क्वेश्चन है जिसमें पैरामेट्रिक, अब इसमें आप कैसे पहचानोगे पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है, तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे आपको हर जगह कुछ न कुछ दिख जाएगा,
जिसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अच्छा टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है और डीटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सबका ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो इसको कैसे करेंगे आप सोल्व? यहाँ से आप इस एफ को ले लीजिएगा, तो आपका एफ यहाँ पे क्या है? अच्छा मैं सिंबल भी लिख दे रहा हूँ, वाई टी एच डैश टी वाई डैश टी, ठीक है। अब ये आपका क्या है यहाँ पे, ये सब देखने में लंबा लग रहा है, इसका कोई मतलब, डायरेक्टली आप एफ भी लिख सकते हैं अगर आप समझ गए हैं। तो मेरे को तो समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ, ए चीज है आपका प्लस वाई डैश टी, ए चीज है। ओके, सो इसको मार्क। ओके, अब इसमें हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे, तो उस पर इक्वेशन नंबर स्टार मैंने दिया था शायद इसको। अब ये दोनों अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो इक्वेशन आएगा उसको सोल्व करेंगे और जो निकलेगा वही हमारा हो जाएगा एक्सट्रीमल इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो बाई स्टार, बाई स्टार क्या हो जाएगा आपका, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, फिर एक्स डैश क्या हो जाएगा टू एक्स डैश टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हो जाएगा डी टी। ओके, और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्स डैश टी ले रहा हूँ, कैंसिल आउट नहीं मतलब इक्वल टू वन हो जाएगा। ओके, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो हो जाएगा एक्स डैश टी इक्वल टू कुछ एक्स प्लस सम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, ठीक है, इसको सी वन नाम दे दीजिए क्योंकि फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टी इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू सी वन एक्स प्लस सी टू। तो यहाँ से आपको ए पता चल, सॉरी स्टार तो हमने पहले मार्क कर दिया था, इसको कुछ इक्वेशन वन दे दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, सिमिलर कैलकुलेशन हम सेकेंड वाले के लिए करेंगे, ठीक है, उसका डायरेक्टली मैं लिख दूँ, उसका भी ऐसे ही होगा। ओके, तो इसमें अच्छा वाई का टर्म नहीं है, तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, y का टर्म नहीं है, जीरो माइनस डी बाई डी टी, और वाई डैश के करेंगे तो आपका हो जाएगा टू वाई डैश टी इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, क्या वाई डैश टी आपका क्या हो जाएगा, सम कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब अगेन आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या दे देगा, वाई टी इक्वल टू सी टी प्लस डी ले लीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा ये टी के रिस्पेक्ट में था, सॉरी मैंने यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया है, ए फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में होगा, इसको आप लोग कर रहे ए टी के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि तो हमारा एक्स जो टी का फंक्शन है ना, तो ए टी हो जाएगा, टी एस का रहेगा टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ए पता चल गया और ए पता, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो मैं दोनों को साइड बाई साइड लिख ले रहा हूँ, x था जीरो पे, जीरो पे आपका जीरो था एंड x वन पे थ्री बाई टू था, तो यहाँ पे हमने वन दिया था, इसको टू ले लीजिए, और इधर y था आपका, y था जीरो पे वन एंड y था वन पे भी वन, ठीक है। तो x वाला रखेंगे तो जीरो पे क्या दे देगा x, अगर इस कंडीशन को अप्लाई करें, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर एच एस आई जीरो हो गया, एल एच एस आई बाई वन, वन से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिर्फ सी टू, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि सी टू जीरो हो जाएगा। ओके, अब आप अप्लाई करिए ए वाला, इसको अप्लाई करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा थ्री बाई टू, लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा इक्वेशन वन ए वाला है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड हो जाएगा टी थ्री थ्री नाइन बाई एट प्लस थ्री बाई टू सी वन, ये चीज होगा। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ऐसा करते हैं ऊपर नीचे सभी में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व माइनस नाइन बाई एट इक्वल टू थ्री बाई टू सी वन, तो शिवन हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, इधर से गया तो
टू बाई थ्री इंटू ए हो जाएगा 3/8 डेट की 1/4, ठीक है। तो सी वन बराबर 1/4, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या? हो जाएगा 3/8, लेकिन कैलकुलेशन मेरे कैलकुलेशन में तो कुछ और है। 1 पे 1.5, 3/2 है। ओके, तो इस कैलकुलेशन में एक बार देखिए, क्योंकि ओ सॉरी, सी टू हमारा तो 0 था ना, सी टू कहाँ गया? सी टू को तो हमने शायद रखा ही नहीं, क्योंकि तो हमारे सी टू आ गया ना, तब सी टू को डायरेक्टली 0 रख देंगे, और इसमें तो सी टू वाला काम ही नहीं पड़ा, मतलब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है? सी टू, अच्छा सी टू को तो 0 रख दिया तो डायरेक्टली हो गया, सी टू तो एक कॉन्स्टेंट टर्म था, खत्म हो गया काम। टी स्क्वायर बाई टू था, मैं ये भी लगा लिखने गलती है, टी स्क्वायर बाई टू था। ओके, तो 9/4 टू जाए, 9/4 टू जाए आपका 8 हो जाएगा, 1/2 प्लस 3। ओहो, मैंने उल्टा रख दिया, उल्टा रख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। टी इक्वल टू हमें मान रखना है ना, तो इधर मान रखेंगे तो ये पूरा ही गलत मैंने लिख दिया, कैसे उल्टा आ रहा था। ओके, इधर हो जाएगा 1/2 प्लस c1, सो c1 विल बी योर 2/2 इक्वल टू c1, ठीक है। तो इधर से c1 और c2 दोनों निकल गया। अब इधर पुट करते हैं तो y0 = 1 = d हो जाएगा। नेक्स्ट y1 = 1, अब इधर हो जाएगा c+1, आई थिंक c = 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब इस दोनों से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि आपका सी सॉरी x जो t के टर्म में फंक्शन होगा, वहीं आपका एक्सटर्मल हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, सिमिलरली जो टी का होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा आपका होगा x = वहाँ पे था वहाँ, तो ये हो जाएगा t²/2, सी टू तो 0 था तो सिर्फ टी बचा, एंड y = यहाँ से क्या आ गया, सी तो 0 हो गया तो बस डी बचा, तो डी बचा यानी कॉन्स्टेंट टर्म बचा, तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जो आप तक इससे पहले आपने पढ़ा हुआ था उस पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट है, तो आप इस असाइनमेंट को कर लीजिएगा। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है कि आप एक्सटर्मल फाइंड आउट करना है, कंडीशन ये दिया हुआ है, आंसर भी मैंने नोट डाउन कर दिया ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी एक फंक्शनल दिया हुआ है जिसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, अब इन कंडीशन के बेस पे आप यहाँ से अब देख रहे होंगे, अभी हमने क्या एक्सटर्मल पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ से कुछ देख रहे हो, कुछ आइडिया आपको लग सकता है, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं, यहाँ जेड और वाई और जेड है, एक्स का फंक्शन है और पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर दिया रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ का पैरामेट्रिक जो हमने टी लिया था यहाँ पे एक्स है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग ए ले लिया, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था तो वहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, इसमें भी डायरेक्टली आप आयलर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे है, इसमें भी आप डायरेक्टली आयलर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको हम लोग फाइनल करते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारा होगा टेस्टिंग ऑफ वीक मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है, या स्ट्रोंग मिनिमा स्ट्रोंग मैक्सिमा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा टेस्टिंग फॉर, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है।
इसमें भी दो कंडीशन आ जाएंगे, वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा, स्ट्रोंग मिनिमा स्ट्रोंग मैक्सिमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें वीक मिनिमा और मतलब वीक मिनिमा मैक्सिमा या स्ट्रोंग मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए कुछ हमें कंडीशंस फॉलो कर देंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो डायरेक्टली बोल देंगे, बाकी क्या होता है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको मैं हिंट यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। टेस्टिंग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एन एक्सट्रीमल, डायरेक्टली ऑफ एन एक्सट्रीमल, ऑफ एन एक्सट्रीमल किसी न किसी का तो फंक्शनल का ही होगा, ऑफ गिवेन, ऑफ गिवेन फंक्शनल विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लीजेंडर कंडीशन। ओके, अब ये क्या होता है लीजेंडर, आप भूल जाइए, ऐसे समझिए कि कोई एक कंडीशन होता है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, इतना से काम हो जाएगा आप। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या थे वो मैं आपको यहाँ पे शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर नेचर हम लोग नोट कर लेते हैं। नेचर ऑफ एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल का नेचर क्या होगा और सफिशियंट कंडीशन क्या है। कंडीशन ओके, तो इसमें दो मिनिमा के लिए दो मैक्सिमा के लिए हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। तो पहला हम ले लेते हैं फॉर वीक मिनिमा, अब आपको इतना देर हम लोग किए तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो हम एफ पे बात करें वो एफ कहां पे रहता था, इंटीग्रेशन में रहता था। अच्छा, जो वीक मिनिमा या वीक मैक्सिमा आएगा कहां पे आएगा, एक्सट्रीमल पे आएगा। तो अटेंड ऑन द एक्सट्रीमल, अटेंड ऑन द एक्सट्रीमल कर्व ठीक है। इसके लिए सफिशियंट कंडीशन क्या है, जो हमारा एफ आ रहा था ना, ये क्या होगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना, अगर एफ पॉजिटिव आ गया उस कर्व पे तो हम बोलेंगे कि वीक मिनिमा होगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड क्या आ जाएगा आपका वीक मिनिमा, तो वीक मैक्सिमा। ओके, वीक मैक्सिमा ठीक है, ए भी कहाँ पे होगा, ए सेम कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ए भी एक्सट्रीमल के एक्सट्रीमल कर्व पे होगा। अब इसमें सिंपली इसका उल्टा हो जाता है, जब ए आपको यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ। ऑन मान लीजिए इसको हम लोग ऑन एक्सट्रीमल कर्व सी नाम दे दिया तो सी पे हो जाएगा ऑन सी। ठीक है, तो अगर वाई डैश के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। अच्छा, इसी में बस इतना आप समझ गए तो आपका काम खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग मिनिमा मैक्सिमम क्यों नहीं बात कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग में क्या है, ये जो हम निकाल लेना ये किसी कर्व पे आ रहा ना, अगर उस कर्व से इंडिपेंडेंट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो उसका भी ठीक है मैं कंडीशन लिखवा देता हूँ। उसका कंडीशन क्या है, ये सेम चीज़ यही होगा फॉर स्ट्रॉन्ग, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे लगभग लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं अभी कुछ होमवर्क दूंगा तो आप शायद समझ जाएंगे इजीली। अब इसमें भी यही वाला कंडीशन होगा, अगर कैपिटल एफ मैंने लिया था तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ऑन सी। अच्छा, इसमें अब ऑन सी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे समझिए कि सबके लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको एक सेकेंड, तो ये कहाँ पे होगा, एट पॉइंट क्लोज टू सी, सी क्या था हमारा एक्सट्रीमल कर्व था। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर आर्बिट्री वाई डैश। ठीक है, ये देखिए हम लोग वाई डैश लिख, आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई डैश, मतलब वाई डैश का ऐसे क्या मतलब है, आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई डैश।
ठीक है। तब यहाँ पे ये चीज देख रहे होंगे कि ये आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई डैश का मतलब क्या हुआ कि वाई डैश इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर वाई डैश से फर्क पड़ता तो फिर आर्बिट्री वैल्यू हम नहीं लिखते, मतलब आप वाई डैश का कुछ भी वैल्यू लें ये आपका सेम ही रहेगा। तो बस यही है कि अगर मान लो आपने एक डाटा निकाला और इसमें वाई डैश के टर्म ही नहीं है, तो वाई डैश का आप वैल्यू रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग मिनिमा बनाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम। तो अब ये सी बात है, जैसे वहां फॉलो किए तो वैसे यहां भी करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इफ वाई डैश के रिस्पेक्ट में लेस देन जीरो, एंड यही वाला चीज क्या आप एक लाइन में बोल सकते हैं, फॉर आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई डैश। ठीक है, इतना काफी है, तो बस खत्म यही था आपका। अच्छा, एक दो मैं कंडीशंस बेस्ड दे दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्टली वो वर्ड ही लिख देगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी जानना है कि क्या होता है। और इतना में अब तक हमने जितना पढ़ा इससे आप मैक्सिमम 12.5 मार्क्स तक का गेन कर सकते हैं। ओके, ये कुछ नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इतना से अपना काम बन जाएगा। ये क्या है इसमें, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फॉर एक्सटर्नल ऑफ फंक्शनल, कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने जो फंक्शनल ले लिया ये लीजिए, मैं सेकेंड ऑर्डर का पहले लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्स वन से एक्स टू एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और जो आपका ए है एक्स वाई वाई डैश, सॉरी वाई डैश नहीं, इसको सेकेंड ऑर्डर तक ले लीजिए तो वाई डबल डैश तक चला जाएगा। ठीक है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर तक मिले तो वाई डबल डैश, ठीक है, ए हो गया डी एक्स। अगर ए दिया हो, ठीक है, तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा, नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या है, मतलब नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शनल। ओके, तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये सेकेंड ऑर्डर का है ना, देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर का है, यहाँ पे क्या होगा आपका जो फर्स्ट वाई डैश के रिस्पेक्ट में सारे एक्टिविटी करिए, मतलब ये वाई डैश के रिस्पेक्ट में माइनस इसका डेरिवेटिव डी एक्स। अब हम यहाँ वाई डैश लेते थे, वाई लेते थे तो वाई डैश लेते थे, अब यहाँ वाई डैश लेते यहाँ पे क्या लेंगे, वाई डबल डैश लेंगे। ओके, तो ए वाई डबल डैश इसके रिस्पेक्ट में जीरो दे दे, कब, अगर इफ वाई इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो इफ वाई इज नॉट प्रिस्क्राइब मीन्स हमारे पास अगर वाई का इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम एक कंडीशन यूज करेंगे, हमारा नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होगा। एक कब हम लगाते हैं, जब हमें क्वेश्चन पेपर में बाउंड्री कंडीशन दिया ही नहीं हो, बस ऐसे छोड़ देगा वाई एनी वैल्यू या समथिंग ऐसे कुछ हिंट दिया रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर मान लो वाई डैश हमें प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि वाई सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे वाई और वाई डैश दोनों प्रिस्क्राइब होना चाहिए, तो अगर वाई प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप एक कंडीशन यूज करेंगे, और वाई डैश प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप ये दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला क्या है, वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कब, अगर आपके पास वाई डैश नॉट प्रिस्क्राइब है। ओके, तो ए हो गया आपका नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस फॉर किस, फॉर सेकेंड ऑर्डर। ओके, अब हम लोग जो अपना वाला कर रहे थे, हमारा अपना वाला क्या था, अपना वाला था फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास वो कुछ इस टाइप का था, मान लीजिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ए बी, और यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर तक लेंगे इतना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था, तो सेकंड ऑर्डर के लिए दोनों कंडीशन था, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंडीशन क्या, सिमिलर ही कंडीशन है क्या, कि डेल एफ अपन में डेल वाई वाई डैश के रिस्पेक्ट में, सॉरी ए इक्वल टू जीरो होगा, कब, इफ वाई इज नॉट प्रिस्क्राइब।
अच्छा यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए होंगे कि अगर मान लो थ्री ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे टू ऑर्डर का था तो वाई वाई डैश, वन ऑर्डर का था तो सिर्फ वाई, तो थ्री ऑर्डर का क्या होगा, तो हम वाई डबल डैश तक जाएंगे। तो उसको अभी आप भूल जाइए, उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, ठीक है। आपका जो भी काम होगा इतना ही, अब तक जो पूछा हुआ है इतना ही तक पूछा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस जो मेन थ्योरी था आपका यही था, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क करना है। ओके एक सेकेंड, अब तक जितना आपने थ्योरी पढ़ा सभी थ्योरीज को यहाँ पे लगाना है। ये कुछ होमवर्क्स हैं, क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, नेट के क्वेश्चंस का कलेक्शन है और कुछ गेट का और डिफरेंट एग्जाम्स का, तो इसको आपको होमवर्क करके करना है। जैसे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसको कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे लेंथी प्रॉब्लम्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत एक क्लास वन क्लास सेवन का सिंपल सा मीनिंग है, सी जो हमने सेवन का क्या था, हमने सी एन का फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एन टाइम्स कंटिन्यूसली डिफ्रेंशिएबल, तो वहीं सी वन है, उसी तरह सी थ्री है, तो ये सब आप मीनिंग जानते हैं। ये देखिए जून 2012 में पूछा था सॉल्यूशंस रिगार्डिंग, ये भी बहुत ईजी, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे शेप से दिया हुआ कुछ, ये सारे क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स पैराबोला सर्कल वाला सब इस टाइप का दूसरा प्रॉब्लम किया था, और देखिए उस टाइप का पूछा हुआ है, तो ये भी बहुत मतलब सभी बहुत ही इतना ईजी है ना कि आप ऐसे क्विकली देखोगे और डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सी वन सी टू आर्बिट्री है, ओके ठीक है। तो आप यहाँ तक क्वेश्चंस कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ जो अभी हमने मिनिमम मैक्सिमा का पढ़ा। तो एक क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल दिस दैट पासेज थ्रू दिस एंड दिस, मतलब क्या हुआ कि y एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हुआ कि एट x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू जीरो, ठीक है। वीक मिनिमा इफ दिस, स्ट्रॉन्ग मिनिमा इफ दिस, यहाँ पे वही कंडीशन जो जस्ट हमने पढ़ा है वो अप्लाई करोगे। वीक मिनिमा इफ दिस, स्ट्रॉन्ग मिनिमा इफ दिस, ये चार कंडीशंस दिए हैं, तो इनमें से ये पार्ट सी में पूछा हुआ, देख सकते हैं 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और अगर आप लोग से हो पाया तो ठीक है, नहीं होगा तो आप इन्फॉर्म कर देंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। सिमिलरली देखिए ये 2015 में था, ये 2016 में देखिए, 16 में फिर से एक एक्सटर्नल दिया हुआ, सॉरी फंक्शनल दिया हुआ, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, एक ग्राफ दिया हुआ, इस पर पूछ रहे क्या होगा वीक मिनिमा स्ट्रॉन्ग मिनिमा, और इस पर क्या करेंगे आप वही करेंगे जो हमने अभी थोड़ा देर बताया था। कितना ईजी है, ए आपका यही आपका एफ है ना, एफ ए है, तो इस ए इसको एफ करके और डायरेक्टली वो वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, जो निकलेगा डायरेक्टली आप बता सकते हैं। यहाँ पे तो मैं और लिए बता दूंगा, वाई डैश के रिस्पेक्ट में पहली बार करेंगे तो टू वाई डैश हो जाएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो टू होगा, टू क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो एंड डज नॉट डिपेंड वाई डैश, तो डायरेक्टली ये स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा हो जाएगा, हो गया, कलम ही नहीं चलाना पड़ा, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ए 92 भी 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ है, देखिए कितना है, आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली सोल्व करेंगे। अब 18 और भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं तो अभी पेपर पलट रहा था तो मेरे को दो तीन ही मिला। सेकंड अभी हमने जो कंडीशन वाला बोला कि नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, इस क्वेश्चन में देखिए द एडमिसिबल एक्सटर्नल फॉर दिस वेयर वाई एट दिस इक्वल टू दिस एंड वाई जीरो इज फ्री, मतलब ए आपका फ्री कर दिया, तो अब यहाँ से फ्री मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सी वन सी टू ले लेंगे, यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देना, तो वहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ चीज़ें थी जिनका हमें फॉलो करना था, उनके बेस्ट प्रॉब्लम्स थे, और भी प्रॉब्लम्स होंगे आप देखिएगा, मैंने तो जल्दी जल्दी पेपर खोला तो मुझे दो तीन दिख गए, तो मैं इनको सोचा कि ये टॉपिक भी करवा देता हूँ। और यहाँ से आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो भी था सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इंटीग्रल इक्वेशन या दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, आप सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेना जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले आप नेट का करना, और जितना आपने कंसेप्ट किया इतना से आप एटलीस्ट मतलब 7.75 मार्क्स तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत इजीली ला सकते हैं, और 12 मार्क्स तक का पूछ दिया तो भी आप लोग सारे क्वेश्चंस करिएगा, और जैसा होगा आप इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो सॉल्यूशंस का बना दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं 15-20 क्वेश्चंस का कलेक्शन कर ही दूंगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।